और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे डीसी मशीन के ऊपर। सो क्वेश्चन है, ए शंट जनरेटर डिलीवर्स 50 किलोवाट एट 250 वोल्ट व्हेन रनिंग एट 400 आरपीएम। द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.02 ओहम एंड 50 ओहम रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मशीन व्हेन रनिंग एज ए शंट मोटर एंड टेकिंग 50 किलोवाट इनपुट एट 250 वोल्ट। अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कॉन्स्टेंट ड्रॉप। ओके, सो क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन पे? गिवन जो है, जैसे कि यहां पे है ए शंट जनरेटर। शंट जनरेटर केस के लिए क्या क्या गिवन है? 50 किलोवाट डिलीवर कर रहा है पावर। सो पावर हमने यहां पे लिखे 50 किलोवाट मतलब 50 × 10³ वाट। ओके, एट 250 वोल्ट। तो 250 वोल्ट मतलब इसमें जेनरेट हो रहा है 250 वोल्ट। ओके, व्हेन रनिंग एट 400 आरपीएम, जेनरेटर का स्पीड जो दे दिया वो 400 आरपीएम, इसको हमने मान लिया N1। ओके, द आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस आर 0.02 ओहम एंड 50 ओहम रेस्पेक्टिवली। तो फील्ड रेजिस्टेंस दे दिया 50 ओहम एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया 0.02 ओहम। उसके बाद दिया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मशीन व्हेन रनिंग एज ए शंट मोटर एंड टेकिंग 50 किलोवाट इनपुट एट 250 वोल्ट। अलाउ 1 वोल्ट पर ब्रश फॉर कांस्टेंट ड्रॉप। तो ड्रॉप दे दिया ब्रश में 1 वोल्ट पर ब्रश, तो दो ब्रश रहता है, तो टोटल ड्रॉप फॉर द ब्रश कितना होगा? 2 वोल्ट। सो वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रश इज 2 × 1 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके, अब यहां पे लाइन करंट कितना निकलेगा जेनरेटर केस के लिए? इसको मान लिया IL1। सो लाइन करंट क्या निकलेगा? IL1 दैट इक्वल टू P1/V। सो पावर बाई वोल्टेज। पावर कितना है? 50 × 10³ एंड वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट। ओके, सो दैट विल गिव 200 एम्पियर लाइन करंट फॉर द केस, इन केस ऑफ जेनरेटर। अब फील्ड करंट कितना निकलेगा? फील्ड करंट को कैसे लिख सकते हैं? ISH, ISH इक्वल टू V/RSH। सो यहां पे हमने एक जनरेटर का सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया, जैसे कि तो ISH इक्वल टू V/RSH, तो V का वैल्यू 250 वोल्ट और RSH का वैल्यू कितना दिया? 50। यहां पे गिवन है RSH 50। सो इट विल गिव द फील्ड करंट दैट इज ISH दैट इक्वल टू 5 एम्पियर। ओके, अब आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट कैसे निकलेगा? प्रीवियस सम जो सॉल्व किए थे 1 और 2 का, तो वहां पे मैंने बताया था, यहां पे ये जो नोड है, इस नोड में क्या लगाना है? अप्लाइंग KCL एट नोड ए। ए पे अगर KCL लगाएंगे तो क्या होगा? IA1 दैट इक्वल टू IL प्लस ISH मतलब इनकमिंग करंट दैट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। सो IL का वैल्यू मिल गया था 200 और ISH का वैल्यू मिल गया था 5 एम्पियर। सो दैट विल गिव द IA1 दैट इक्वल टू 205 एम्पियर। सो जेनरेटर केस के लिए जेनरेटेड EMF कैसे निकलेगा? V प्लस IA1 × RA प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रशेस। तो वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रशेस, दो ठो ब्रश है तो 2 × 1 किए, क्योंकि हर एक ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट करके है। तो और तो यहां पे भी का वैल्यू लिखे 250 वोल्ट प्लस 205 इज द आर्मेचर करंट एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.02 ओहम प्लस 2 × 1 मतलब 1 वोल्ट करके हर एक ब्रश में ड्रॉप होगा, तो 2 ठो ब्रश रहता है, तो इसलिए मैंने किया 2 × 1 सो 2 वोल्ट। सो अल्टीमेटली कैलकुलेट करके आया 256.1 वोल्ट विच इज द जेनरेटेड EMF फॉर द केस ऑफ DC जेनरेटर। अब नेक्स्ट, अब मोटर केस के लिए क्या होगा? एज ए शंट मोटर इनपुट लाइन करंट IL2 दैट इक्वल टू P2/V लिखे। तो मोटर केस के लिए क्या दिया था कि यहां पे क्वेश्चन में था कि 50 किलोवाट एंड 250 वोल्ट। ओके, तो 50 किलोवाट मतलब पावर दे दिया 50 × 10³ वाट होगा
और वोल्टेज दे दिया 250 वोल्ट। ओके, यहां से लाइन करंट मिल गया मोटर के लिए 200 एम्पियर। एंड सिमिलरली हम लोग ISH निकालेंगे, फील्ड करंट। फील्ड करंट कैसे निकलेगा? ISH इक्वल टू V बाई RSH। V का वैल्यू 250 वोल्ट दे दिया और RSH पहले से ही गिवन था, RSH का वैल्यू 50 ओम। सो यहां पे आ गया ISH, ISH का वैल्यू आया है 5 एम्पियर। तो फील्ड करंट फॉर द डीसी शंट मोटर आया है 5 एम्पियर। अब आर्मेचर करंट कैसे निकलेगा? IA2 दैट इक्वल टू IL2 माइनस ISH। यहां पे KCL लगाएंगे तो क्या मिलेगा? IL2। आउटगोइंग करंट क्या क्या है? ISH एंड IA2। सो IL2 दैट इक्वल टू क्या होगा? IA2 प्लस ISH। सो दैट विल गिव IA2 इक्वल टू IL2 माइनस ISH। सो ऐसे ही आया था ये आर्मेचर करंट, IA2 दैट इक्वल टू IL2 माइनस ISH दैट इक्वल टू IL2 का वैल्यू कितना था? 200। ISH का वैल्यू 5 था, 5 आया था। सो आर्मेचर करंट कितना आया? 195 एम्पियर ईएमएफ। ओके, बैक ईएमएफ कितना आएगा? E2 इक्वल टू V माइनस IA2 RA माइनस ब्रश ड्रॉप। अब यहां पे भी ब्रशेस है तो ड्रॉप तो होगा ही मोटर केस के लिए भी। तो यहां पे कैसे ये इक्वेशन आया? यहां पे KVL लगाएंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा, E2 इक्वल टू V माइनस IA2 इंटू RA, और ब्रश ड्रॉप भी एक रहेगा। तो ब्रश ड्रॉप यहां पे हमने लिख लिए। तो V का वैल्यू कितना दिया? 250 माइनस IA2 का वैल्यू 195 दे दिया था, RA की वैल्यू दे दिया था 0.02, एंड ब्रश ड्रॉप हर एक ब्रश में 1 वोल्ट करके था, तो दो ठो ब्रश है तो 2 × 1 मतलब 2 वोल्ट ब्रश ड्रॉप है। सो अल्टीमेटली मोटर में जो बैक ईएमएफ आया है वो है 244.1 वोल्ट। अब वी नो N2 बाई N1 मतलब N2 को मान लिया मोटर केस के लिए स्पीड और N1 को मान लिया जेनरेटर केस के लिए स्पीड। तो N2 अगर मोटर का स्पीड होगा और जेनरेटर का स्पीड अगर N1 होगा तो N2 बाई N1 दैट इक्वल टू E2 बाई ∅2 डिवाइडेड बाई E1 बाई ∅1। सिंस द फील्ड करेंट इज कॉन्स्टेंट, फील्ड करेंट अगर कॉन्स्टेंट रहेगा तो फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट होगा, ∅1 इक्वल टू ∅2 होगा। सो इन दिस केस ये जो इक्वेशन स्पीड का इक्वेशन हमने लिखे थे तो उसका उसमें क्या चेंजेस आएगा? N2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं E2 बाई E1 विच इज मल्टीप्लाइड बाई N1 क्योंकि ∅ तो इक्वल है। अब पुट कर देंगे E2 का वैल्यू, E1 का वैल्यू एंड N1 का वैल्यू। E2 मतलब क्या है? मोटर का जो बैक ईएमएफ मिला था 244.1 वोल्ट, एंड जेनरेटेड ईएमएफ कितना मिला था? E1 मिला था 256.1 वोल्ट। ओके, पुट कर दिया और स्पीड दे दिया था जेनरेटर केस के लिए, स्पीड जो दे दिया था 400 आरपीएम। ये जो स्पीड दे दिया था वही हमने यहां पे पुट कर दिया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट आया 381.3 आरपीएम। सो मोटर का स्पीड कितना होगा? 381.3 आरपीएम।